Hi everyone, welcome to the Aleppo Cricket School at home, a learning platform. Good morning to all of you, and I hope you all are well at home. Today, now I'm going to discuss about activity topics in page number 28, and also lesson means Plants Kingdom, and also lesson 16. बच्चों एक्टिविटी मैंने आपको फ्लावर्स को मैंने बताया था चिपकाने के पीछे से, तो आज मैं उसका नाम लिखवा देता हूँ। आप लोग फ्लावर चिपका दिए, अच्छी बात है, नहीं चिपकाए होंगे तो उसको सही से। पहला फ्लावर लगा, ये दूसरा, तीसरा, ये हो जाएंगे आपके चौथे फ्लावर, उसके बाद क्लू बॉक्स में अगला जो फिगर होगा क्लू बॉक्स से वो हो जाएगा हिबिस्कस, हिबिस्कस। अगला जो होगा आपका हो जाएगा, आपका अगला में क्या हो जाएगा, जास्मिन। अगला हो जाएगा आपका जास्मिन, ये हो जाएगा जास्मिन का पेड़। नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट में हो जाएगा लिली, लिली। नेक्स्ट लोटस, और उसके बाद हो जाएगा आपका लोटस के बाद हो जाएगा रोज, उसके बाद लास्ट यहां पे हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मैरीगोल्ड, एम ए आर आई ई जी ओ एल डी, मैरीगोल्ड। और लास्ट क्या बचा आपका फ्लो बॉक्स में, तो लास्ट आपका बच जाएगा सनफ्लावर। सनफ्लावर इट मीन्स बोलिए सूर्यमुखी, सनफ्लावर। ये सारे ठीक है, तो आप चिपका लीजिएगा इसके अकॉर्डिंग आप लोग फूल्स को, फ्लावर्स को पीछे से लेकर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। वो मेरा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो एनिमल किंगडम होगा, और वो लेसन होगा आपका 17। चलिए फिर से देखो इसको, डेजी, विस्कस, जास्मिन, लेली, लोटस, रोज, मैरीगोल्ड और सनफ्लावर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्लांट्स किंगडम्स के बारे में, प्लांट किंगडम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सॉरी प्लांट किंगडम्स नहीं, एनिमल किंगडम्स। हम लोग पहले प्लांट किंगडम्स के बारे में पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे 17 लेसन एनिमल किंगडम्स। एनिमल किंगडम्स, ठीक है, एनिमल किंगडम्स में हम लोग देखेंगे सबसे पहला एनिमल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, व्हाट एनिमल्स, देखो एनिमल्स होता है बाबू, जैसे हम लोगों ने देखा था कि प्लांट्स के बारे में, कि प्लांट्स में क्या होता है बाबू, लाइफ होता है, जीवन होता है प्लांट्स में, वैसे ही आपको एनिमल्स में भी क्या होते हैं, लाइफ होते हैं। ठीक है, तो इससे सबसे पहला पॉइंट इसका होगा वो आपका होगा एनिमल्स हैव लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दे आल्सो नीड एयर, वाटर एंड फूड टू लाइव। नेक्स्ट, एनिमल्स डिपेंड ऑन
other animals. And plants to survive. They are different serpent sides, sips and sides. देखो ध्यान से समझो बच्चों, पहला नंबर कि जैसे प्लांट्स में लाइफ वैसे ही एनिमल्स लोगों में भी जीवन होता है. एनिमल्स हैव लाइफ, क्लियर. नेक्स्ट, दे आल्सो नीड एयर वाटर एंड फूड टू लाइव. मानो कि जो जीवित हैं लिविंग है उन्हें तो जीने के लिए पानी चाहिए, हवा चाहिए, भोजन चाहिए. इसलिए जानवरों को भी क्या चाहिए, आपको हवा चाहिए, पानी चाहिए और भोजन चाहिए. नेक्स्ट, एनिमल्स डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स. अब देखिए क्या होता है, जैसे प्लांट्स होता है, प्लांट्स किसी पे निर्भर होता है नहीं होता है, वो खुद से अपना भोजन बना लेता है. हम लोग किस पे निर्भर होते हैं, तो प्लांट्स पे, एनिमल्स पे. जैसे हम लोग चिकन मटन खाते हैं ना, प्लांट्स भी खाते हैं चिकन मटन भी खाते हैं, तो हम लोग दोनों पे निर्भर होते हैं, ठीक है. वैसे एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स डिपेंड ऑन द अदर एनिमल्स. जानवर जो होते हैं वो दूसरे जानवर पे निर्भर होते हैं, दूसरे जानवरों को खाकर वो अपना पेट भरते हैं, अपना भोजन लेते हैं, ठीक है. तो जानवर जो होते हैं वो क्या होते हैं, दूसरे जानवरों पे निर्भर होते हैं. एंड प्लांट्स, जानवरों पे भी और प्लांट्स पे भी. जैसे हम लोग दोनों पे निर्भर होते हैं, हम लोग भी प्लांट्स और जानवरों पे भी निर्भर होते हैं, वैसे ही जानवर भी जो होते हैं वो अपने से छोटे जानवरों पे और प्लांट्स पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, और उनसे वो अपना भोजन लेकर अपने आप को सर्वाइव करते हैं, अपने आप को जीवित रखते हैं, क्लियर. नेक्स्ट, दे आर ऑफ डिफरेंट सेपेंट साइज. जानवर जो होते हैं वो अलग अलग सेपेंट साइज को, जैसे गोट के लिए बकरी छोटी होती है, रेड के लिए चूहा छोटा होता है, बिल्कुल छोटा. एंटेलो चिट्टी होता है, छोटी सी एंट. और बहुत बड़ा बड़ा जैसे एलिफेंट ले लो, जिराफ ले लो, देखो कितना बड़ा बड़ा होता है. तो छोटे से लेकर बड़े तक उनके सेपेंट साइज क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है. तो सेपेंट साइज के कारण फिर सबसे पहले एनिमल्स आ गए. अब देखिए कुछ एनिमल्स जो बड़े होते हैं उनके बारे में, ठीक है. डस्ट, तो कुछ बड़े जो एनिमल्स होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है. वो हमारा होगा जो बड़े कुछ हैं वो, जैसे सम एनिमल्स, सम एनिमल्स आर बिग. एनिमल्स नहीं समझ में आ रहा तो नीचे एक अलग अलग लिख देते हैं एनिमल्स, ठीक है. कौन कौन हो जाएंगे, तो एलिफेंट हो जाएगा, नेक्स्ट जिराफ, नेक्स्ट बियर, क्या और है कुछ, सम नेक्स्ट सम एनिमल्स इसको टू द पॉइंट्स में लिखवा देते, एक मिनट रुक जाओ. ऐसे लिख सकते हो लाइनिंग में, उसी में कंटिन्यू लाइन लिखो, ना एनिमल्स लिखवा के लिख दो, सम एनिमल्स आर बिग, ठीक है. एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल एज लाइक क्या हो जाएंगे, एलिफेंट कमा जिराफ कमा आपका बियर इटीसी, ठीक है. नेक्स्ट अगला, सम एनिमल्स आर स्मॉल, कुछ छोटे होते हैं, तो छोटे में कौन कौन से हो जाएंगे, सम एनिमल्स आर स्मॉल, जैसे लाइक लाइक हो जाएंगे, जैसे रैबिट, रैबिट हो जाएगा, स्क्वायरल हो जाएगी, एस क्यू यू आई डॉल आर ई एल, एस क्यू यू
टू आई डॉल आर एल स्क्वायर कमा क्या हो जाएगी माउस कैपिटल लेटर में कोई दिक्कत नहीं माउस एटीसी ठीक है। नेक्स्ट वेरी स्मॉल एनिमल्स के बारे में जैसे वेरी स्मॉल वेरी स्मॉल एनिमल्स दैट हैव That have six legs are called insects like beetle butterfly cockroach अंदर आप देखो कुछ जो होते हैं एनिमल्स बड़े बड़े होते हैं जैसे मान लो कि एलिफेंट हो गया यानी PHANT गलत हो गया और मैंने यहाँ पे इधर सुधार लो इसको ELEPHANT एलिफेंट ठीक है एलिफेंट हो जाएगा एलिफेंट हो जाएगा जिराफ हो जाएगा बेयर ले ये बड़े एनिमल्स होते हैं ठीक है। सम एनिमल्स आर स्मॉल जो कुछ होते हैं छोटे होते हैं जैसे लाइक रैबिट स्क्वायरल एस क्यू यू आई डबल आर ई एल स्क्वायरल माउस ऐसे देखो जो ये तो बड़े और छोटे जो बहुत छोटे होते हैं जिनके छह पैर होते हैं सिक्स लेग्स टांग होते हैं छह को टांग होते हैं वो क्या कहलाता है इंसेक्ट्स कहलाता है और उसमें कौन कौन से होते हैं बीटल्स हो जाएगा बटरफ्लाई हो जाएगा कॉकरोच हो जाएगा ठीक है। इसे जल्द से जल्द देखिए उसका नेक्स्ट में लिखवाता हूँ पानी पी लो थोड़ा सा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों हम लोग अब नेक्स्ट एंड अगला पॉइंट एनिमल्स का है एनिमल्स दैट हैव Feather are called C-A-L-L-E-D called birds like a sparrow, pigeon. Pigeon, ठीक है PIGEON pigeon, parrot, it is, ठीक है। Next, जैसे इसके बाद कुछ pet animals होते हैं pet animals के बारे में बात करते हैं we keep some animals in our homes because we love them they are called pet animals pets living homes built by us example mein ho jayega just like
लाइक हो जाएंगे आपके ब्लॉग फीस जैसे काउ भी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बारे में सुनता हूँ। एनिमल्स दैट हैव फीलर, जिनके पास पंख होते हैं, फीलर मीन्स पंख, वो क्या कहलाते हैं? बर्ड्स कहलाते हैं, चेयर, जैसे स्पैरो हो जाएगा, पिजन्स हो जाएगा, पैरट्स हो जाएगा, एटीसी। नेक्स्ट बात करते हैं, वी कीप सम एनिमल्स इन आवर होम्स, कुछ जानवरों को अपने घर में हम रखते हैं, अपने जानवर, जैसे गाय हो जाएगी, बकरी हो जाएंगी, मुर्गियाँ हो जाएंगी, तुम्हारे ये डॉग्स रहेंगे, फिश हो जाएंगे, तो पाल के रखते हैं जिन्हें हम लोग, उन्हें करते बहुत प्यार भी करते हैं, बिकॉज वी लव देम। क्यों उन्हें क्यों अपने घरों में रखते हैं? क्योंकि उन्हें बहुत हम लोग प्यार करते हैं। दे आर कॉल्ड पेट एनिमल्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? पेट एनिमल्स, यानी पालतू जानवर, जिसे हम पालते हैं, ठीक है। पेट्स लाइव इन होम्स बिल्ड बाय अस, जो पालतू जानवर होते हैं ना, वो हम लोगों के घरों में रहते हैं, हम लोगों द्वारा बनाए गए वो लोग घरों में रहते हैं, इन्हें वो लोग खुद से बनाते, जैसे स्पैरो गौरैया घोंसला बनाती है ना, ऊपर नेट घोंसला बनाती है, ऊपर वृक्षों पे पेड़ों पे, तो वो क्या करती है? खुद से बनाती है। लेकिन ये लोग पेट्स एनिमल्स जो होते हैं, वो हम लोगों के द्वारा बनाए हुए घरों में क्या करते हैं? रहते हैं, जैसे डॉग, फिश, इटीसी, काउ भी होते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो हमारा होगा डे 48, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।